लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या? अरे तुम लोग इस तरह मुझे क्यों घूर रहे हो? मैंने क्या किया है? उस पंडित ने कितना समझाया था हमें। अच्छा तो अब ये सारी गलती मेरी है। अरे पैसे मैं हार के आया हूँ या ये लकी? वाह, तेरा मतलब है ये सब मेरी वजह से हुआ है? हाँ, मेरी गलती है। नहीं नहीं, गलती किसी की नहीं है, गलती मेरी है मेरे बाप कि मैंने तेरी बात मान ली। मैंने पहले ही कहा था सबको कि सोच लो, लेकिन तब सबको लगा कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब क्या करेंगे हम? कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? इस शहर में हम किसी को जानते भी तो नहीं। यार जग्गी, अपना जग्गी यार, ये कब हुआ? 3 दिन पहले। यार अब हम क्या करेंगे? वो कालिया हम सबको चुन चुन के मारेगा। तो किसने कहा था शाणा बन के जुआ खेलने को? लग गई ना सबकी खुश। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बहुत तगड़ा सेक्शन मारा। लेकिन कितना तगड़ा? अब पता नहीं यार, हफ्ता भी लग सकता और महीना भी। अरे यार तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, है ना? यहाँ से छलांग मारते हैं, पहले नीचे जाएंगे फिर ऊपर बात करते हैं। हम लोग अपने अपने शहर वापस क्यों नहीं जा सकते? कोई फायदा नहीं, हम चाहे कहीं भी चले जाएं, उन लोगों से भाग नहीं सकते। हाँ यार लकी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो लोग 2400 घंटे हम पर नजर रख रहे होंगे। देखो अब एक ही रास्ता है हमारे पास, किसी न किसी तरह अगले 7 दिनों में हमें 7 लाख का इंतजाम करना ही होगा। मुझे कोई ना कोई प्लान सोचना ही पड़ेगा। तू कुछ नहीं सोचेगा, जान हम सबकी खतरे में है, जो कुछ सोचना हम खुद सोच लेंगे। ठीक है तो सोचो तुम लोग। पैसे तो मैं हारा हूं ना, तुम सब तो भाग सकते हो। पागल हो गया तू लकी, तुझे छोड़ के भाग जाएंगे? तू तो जीत रहा था यार, ये तो हम तीनों ने जिद की कि तू और खेल। ए लकी, हम सब इसमें साथ हैं, समझा? लेकिन यार अब हम करेंगे क्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं बोलूं? तूने आज सुबह का अखबार पढ़ा है? ये देख। ओमी तू होश में तो है? तू ये करने को कह रहा है? अरे यार कुछ नहीं होगा, तू देखना, बिजनेसमैन घर भी पहुंच गया और किडनैपर का पता तक नहीं चला। 2 करोड़ की पेमेंट हुई है और यार हम लोगों को तो सिर्फ 7 लाख की जरूरत है। उस असलम भाई को 7 लाख देंगे और अपनी जान छूटेगी और फिर ये शहर छोड़ के अपने अपने घर चले जाएंगे यार। ए ओमी, प्लान अच्छा है। तुम पागल हो गए, पागल हो गए तुम लोग। ठीक है तेरे पास इससे अच्छा कोई प्लान है तो तू बोल। देख जय, कोई फर्क नहीं पड़ता प्लान तेरा है या मेरा है, जान तो हम चारों की बचानी है ना। किडनैप करेंगे कैसे और किसे? किसी भी बड़े आदमी को किडनैप कर लेंगे। नहीं बॉबी नहीं, हमें किसी ऐसे आदमी को किडनैप करना पड़ेगा जिसके पास माल तो है लेकिन नाम नहीं है। लेकिन ऐसा आदमी हमें मिलेगा कहाँ? गोल्डन बार में, लेकिन वो सब बात की बात है। सबसे पहले हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, हम लोग कहाँ से अंदर घुसेंगे, उसे लेके कहाँ से बाहर निकलेंगे, सब कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन ये बंदा है कौन? कोई रईस बिजनेसमैन लगता है। उस दिन जब मैं शुक्ला के साथ गोल्डन बार गया था तो मैंने उसे वहां देखा था और रोज रात की तरह आज भी वहां जरूर आएगा। बहुत मालदार है क्या? अरे जय, 2-4 पेटी तो एक ही रात में उड़ा देता है। इतना मालदार है कि जब उसकी गाड़ी गोल्डन बार के दरवाजे पे रुकती है तो पब्लिक रुक जाती है। उसका स्टाइल किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। जब वो गाड़ी से उतरता है तो वो खुद नहीं बोलता, उसका पैसा बोलता है।
तुम्हारे 7 लाख का बेरर चेक। हो गया? अरे जब अपुन ने तेरे को पहले टाइम देखा था ना, तभी हो गया। देख मूसा, तेरे मुंह से गाली अच्छी लगती है, कवाली नहीं। चल, तेरे को मेरा कुछ तो अच्छा लगा। लेकिन तू ये दुनिया के सामने नाचती है ना, ये मूसा को अच्छा नहीं लगता। चल। अच्छा, रखेगा कहाँ? अरे रखूंगा महल में, लेकिन रहेगी दिल में। शादी करेगा मेरे साथ? रानी तू फिर से? फिर से क्या मूसा, मैं तुझसे कितनी बार कह चुकी हूँ मैं तेरे साथ जाना चाहती हूँ और मैं तेरे साथ जाऊंगी, लेकिन सिर्फ तेरी बीवी बनके। अरे तेरे को कितने टाइम बोला है अपुन को शादी वादी नहीं करने का है, उसके अलावा तेरे को जो भी मांगता है बोल, गाड़ी बंगला पैसा, अरे बोल ना। ये सब तो मुझे यहाँ कोई भी दे सकता है, लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो सिर्फ तू दे सकता है, और तू है कि मुझे वो देना ही नहीं चाहता। देख रानी, मेरी बात समझ। बात तू समझ मूसा, अगर तू घोड़े पे नहीं आ सकता ना, तो तेरा ये जो घोड़ा है उसको अंदर रख और मुझे यहाँ से ले जाने का ख्याल छोड़ दे। चल। तू मेरे साथ जबरदस्ती करेगा? की दाद देनी पड़ेगी मूसा, बहुत वफादार है तू अली भाई का। इस वफादारी के ऊपर एक शेर याद आ गया, सुन। अच्छा हुआ सनम हम बेवफा निकले, हैं? अच्छा हुआ सनम हम बेवफा निकले, वफादार तो कुत्ते होते हैं। वफादार तो कुत्ते होते हैं, कौन होते हैं? चिन्मयी की मच्छी मार्केट से डॉग्स का मगरमच्छ तो बन गया तू, लेकिन अभी तक तेरी मच्छ नहीं गई। हाँ मूसा, मूसा सुल्तान, ये मत भूलो तुम किसकी चौखट पे खड़े हो। बच गया तू। जमाने के देखे है रंग हजार, अली भाई के दरबार में भाई लोगों का बाजार। सुल्तान, तुम दोनों को यहां समझाने के लिए बुलाया है कि आपसे दुश्मनी बहुत हो गई, इसलिए कल 2 मारे तुमने आज 4 मारे। इस तरह से एक दूसरे को मारते रहोगे तो पुलिस किस बात की तनख्वाह लेगी? हा, पुलिस का काम कर रहे हो तुम दोनों? देखो आज के बाद एक दूसरे के रास्ते में तुम दोनों नहीं आओगे, मेरी बात मानेगा ना मूसा? पहली गोली मूसा नहीं चलाएगा अली भाई, लेकिन इसका क्या? ठीक है, नो एंट्री में घुसूंगा, लेकिन इसके रास्ते में नहीं आऊंगा। ठीक है, हाथ मिला के आपस में सुलह कर लो। भला करेगा मौला। ले। आज बूढ़े की वजह से बच गया तू, कल नहीं
एक मिनट, तेरे को शायरी का बहुत शौक है ना, तो एक शेर सुन। माना मैंने अली भाई का कहना, माना तूने अली भाई का कहना, लेकिन उस बुड्ढे की बात तू सीरियसली मत लेना और हमेशा मूसा से बच के रहना। आदर। तो आज रात को हम सब गोल्डन बार जा रहे हैं, प्लान सबकी समझ में आ गया ना? देखो मैं अब भी कहता हूं, सोच लो, इस प्लान में बहुत खतरा है। अरे काहे का खतरा जय, काहे का खतरा? अरे किसी रईस बिजनेसमैन की बिगड़ी हुई औलाद होगा साला, इडियट ने खुद जिंदगी में मक्खी भी नहीं मारी होगी, अपना क्या खाक उखाड़ लेगा। रिलैक्स जय, तू देख लेना, उस साले को किडनैप करना बच्चों का खेल होगा, बच्चों का। क्यों क्या करने गया था मूसा के पास? मैंने गया था भाई मूसा भाई के पास। चार बार तेरी गाड़ी देखी है वहाँ। कसम से भाई मैं नहीं गया था मूसा भाई के पास। दस मिनट से दिमाग की मां बहन कर रहे हैं। मूसा के पास गया था, तेरी गाड़ी वहां देखी थी, जानता था ना वहां गया था। मूसा ने अपना आदमी फोड़ा तो उसका आदमी निफ। मूसा का गेम बजा, सुल्तान तुझे मूसा भाई बना देगा। मूसा आज गोल्डन बार जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। काम पे लग जा। मूसा भाई के बाद मूसा भाई। अच्छा है मूसा भाई। मूसा आज रात गोल्डन बार जरूर जाएगा और आज उसके साथ कोई नहीं होगा। कल की कलेक्शन अच्छी थी और आज मूसा क्यों इतनी पीता है तू? तुझे कितनी बार बोला मैं? आज मूड बहुत स्मूथ है। तो आज तू नाचेगा? तो मैं क्या करूंगी? तू ना। ये सब क्या है? ये तुझे क्या लगता है बे? तेरे हाथ बंधे हैं, तेरे पैर बंधे हैं। हम लोग ना ही तेरे रिश्तेदार हैं और ना ही ये कमरा तेरे बंगले का ड्राइंग रूम। अबे किडनैप किया तेरे को? चल चल चल, अपनी बीवी का नंबर बोल। नहीं है। तो फिर बाप का नंबर बोल। नहीं है। क्या नहीं है? नंबर नहीं है या बाप नहीं है? दोनों। साला बाप नहीं है तो भाई, अंकल, मैनेजर, नौकर कोई तो होगा। इतना बड़ा बिजनेसमैन है तू, एक अच्छी सेक्रेटरी तो होगी। चल नंबर निकाल जल्दी से। तुम सबको अंदाजा नहीं है कि मुझे यहाँ लाकर तुम सबने खुद की कैसी बैंड बजाई है। अच्छा तो तू ही बता दे तू कहाँ का तोप है। मूसा, मूसा का नाम सुना है? ओ, अब तू कहेगा तू मूसा का आदमी है। क्या लगता है हम लोग जौनपुर से हैं क्या? मैं मूसा का आदमी नहीं, खुद मूसा हूँ। अगली बार तूने मुझ पर हाथ उठाया
तो हाथ काट कर घुसा दूंगा, समझा? ए, ज्यादा हुल देने की कोशिश की तो एक रख के दूंगा। ये करने से पहले खुद पर एक एहसान कर ले, किसी भी पुलिस स्टेशन जाकर, किसी भी, वहां का वांटेड बोर्ड देख लेना, समझा? जाएंगे जाएंगे ना, लेकिन तेरा माल मिलने के बाद, समझा? वैसे जाकर देखने में अपना थोड़ी को जाने वाला है। ए, इसने जरा सी हुल क्या दी, तेरी फट गई। बात खामो का रिस्क लेने की है यार। ए, काई का रिस्क? इसको देख, ये किसी भी एंगल से भाई लगता है क्या? ये देख, रोलेक्स की घड़ी, ये अरमानी का सूट और ये गुची के जूते। साला ये भाई कम जॉन ट्रावोल्टा ज्यादा लगता है। अरे छोड़ ना बाबी, जाने दे इसको, साले का मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। जा जा। तुम बंदर लोग को क्या लगता है, ये लंगूर वापस आएगा क्या? जरूर आएगा, हमारा दोस्त है। कमाल की दोस्ती है, मरना भी सबको साथ में है।